ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सनातन धर्म की पवित्र तीर्थ स्थली त्रिवेणी तट पर लॉकडाउन के बाद पहली बार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में लोगों का आना भी शुरू हो गया जो रात तक रहता है। 2 जनवरी तक चलने वाले त्रिवेणी मेले में छोटे और बड़े मिलाकर 15 झूले लगे हैं। ये झूले रतलाम, मंदसौर सहित अन्य स्थानों से आए। खास बात तो ये कि इस बार मेले में परंपरा, संस्कृति और मेले की पहचान बने लकड़ी के झूलों का भी नागरिक लुफ्त ले सकेंगे। झूलों के साथ ही यहाँ शौकीन लोग टैटू भी बनवा रहे हैं। खाने पीने, मनिहारी, गिल्ली डंडे सहित अन्य छोटी बड़ी मिलाकर 200 से ज्यादा दुकानें लगी। अच्छे कारोबार की उम्मीद के साथ यहाँ स्थानीय लोग, आसपास के जिलों के मेला व्यापारियों ने दुकान लगाई। पवित्र त्रिवेणी तीर्थ पर 68वां महारुद्र यज्ञ भी सनातन धर्म महारुद्र समिति ने शुरू कर दिया है। यह आस्था स्थल इन दिनों धार्मिक और मनोरंजन की मिसाल बना हुआ है। झूला संचालक दिल फिरोश ने बताया, इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है। ये झूले साहब हम लोग, कोई मंदसौर से भी आया है, कोई अपने जैसे क्या है, कोई अपने रतलाम के भी झूले हैं। और हम लोग ये पूरा मेला हम लोगों ने जमाया है और नगर पालिका की व्यवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है नगर पालिका। ये कितने झूले आए सर? हमारे कम से कम भी 8-10 झूले लगे हुए यहाँ पे। ये लॉकडाउन के बाद पहली बार मेला लगा है? ये लॉकडाउन के पहली बार मेला लगा है। तो लॉकडाउन के समय आपका समय कैसे गुजरा? ये तो हम लोगों ने मजूरी कर करके पेड़ भरा साहब, कहीं जो मजूरी कर करके 300-400 रुपए में मजूरी करी, फिर हम लोगों ने हमारे परिवार पाला और ये 2 साल में बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन हम लोगों ने पूरा किया। ये अब इसका लॉकडाउन के बाद मेला लगा है। अब उम्मीद क्या आपको? अब ये उम्मीद ये कि ये मेला अच्छा जमेगा और ये नगर पालिका अच्छी व्यवस्था भी रखेगी। ऐसे मान के चलो मेला अच्छा जमेगा और पूरी व्यवस्था नगर पालिका से ही होती है हमारी यहाँ पे। ऐसे जो कोई अपने प्रशासन से भी होती है, जैसे मान लो पुलिस प्रशासन से भी होती है, जैसे पूरी व्यवस्था जैसे जो है। तो ये मेला थोड़ा अपने देखभाल से भी बढ़िया रहेगा और हम लोगों ने दाल रोटी का खर्चा यहाँ मिलेगा। ये तेज गति से आ रहे पिकअप वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सड़क हादसा रुणीजा रोड स्थित सोमवार की सुबह हुआ। हादसे में हाट रोड निवासी आवेश खान पिता मोहम्मद रफीक घायल हुए हैं। हादसे में घायल का उपचार किया जा रहा है। घायल आवेश खान ने बताया, कैसे वो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये रुणीजा से पहले पेट्रोल पंप के सामने जस्ट इस तरफ से जा रहा था, वो उस तरफ से आ रहा था। हमने एकदम गाड़ी ठंडे ली पेट्रोल पंप के जा रहा। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को विस्तारित करते हुए लिफ्ट की सौगात दी जा रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नई लिफ्ट लगाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। नए साल में रेल प्रशासन ये सुविधा यात्रियों को देने की तैयारी में जुट गया। इस लिफ्ट के लगने से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 से अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए विशेषकर महिलाओं और वृद्धजनों को राहत मिलेगी। नई लिफ्ट लगाने के लिए आधार का निर्माण किया जा रहा है। स्टेशन के बाहर लगे एस्केलेटर से जाने में महिलाओं और वृद्धजनों को परेशानी और डर रहता था, वे दिक्कत भी दूर हो जाएगी। गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की जरूरत रहती है। इस क्षेत्र में सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्तर पर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करती रहती है, किंतु नगर के 3 विद्यार्थियों ने गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चों को न केवल शिक्षित किया बल्कि उन्हें अंग्रेजी का शब्द ज्ञान देकर पारंगत किया और आगे अध्ययन के लिए सामग्री प्रदान की। नोएडा में बीबीए कर रही नगर के 3 वर्षीय कुमारी ध्वनि मनीष जैन, कुमारी ऋषिता कमल जैन, कुमारी ऋतिका मनीष सोनी ने ये बीड़ा उठाया तथा स्लम बस्ती हाट की चौकी क्षेत्र में सेवा भारती द्वारा संचालित आवासीय हॉस्टल में क्षेत्र के आसपास रहने वाले गरीब बच्चों को एकत्रित किया, अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू की। उन्हें धीरे धीरे अक्षर ज्ञान करवाने के साथ साथ पढ़ाई के विभिन्न तौर तरीके भी सिखाए। लगातार 1 महीने तक पढ़ाने के बाद इन बच्चों को बैग, स्वेटर, अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान की गई। ये बच्चे अब अंग्रेजी भाषा का बहुत कुछ ज्ञान सीख गए। इस दौरान कार्यक्रम के अतिथि सेवा भारती अध्यक्ष राकेश मोदी सहित सदस्य उपस्थित थे। मदद करी और इनको पढ़ने के लिए जगह दी और इन्होंने कंटिन्यू 15-20 दिन से इन सबको पढ़ा रहे और सेवा भारती समिति आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखेगी और इन बच्चों को आगे भी ट्यूशन के रूप में 1 घंटा हमेशा यहाँ पढ़ाएगी, इन सबको पढ़ाना आएंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री दीप प्रकाश से स्वागत करते हैं। जाम भरी नालियों के कारण गंदा पानी सड़क पर एकत्रित होने की समस्या शहर में पुरानी है।
जो स्वच्छ शहर के दामों को खोखला ही कर रही है। शहर के 80 फीट रोड रत्नपुरी एक ऐसा क्षेत्र जो खुला होने से सुबह शाम नागरिक वॉकिंग पर आते हैं। इस क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र के अलावा निजी हॉस्पिटल और मैरिज गार्डन भी है। इस क्षेत्र में शुभम परिसर नाम से रहवासी कॉलोनी भी है, जहां सैकड़ों परिवार निवास कर रहे हैं। ये परिवार ड्रेनेज की समस्या से परेशान है। जाम पड़ी नालियों का पानी सड़क पर आकर जमा है, जो बीमारी का घर बना है। मच्छर बदबू से रहवासी परेशान है। इन रहवासियों का कहना है, निजी हॉस्पिटल और मैरिज गार्डन में आने वाले गंदे पानी के कारण नालियां जाम हो रही, जिनकी निगम कभी सफाई नहीं करता। गंदे नाले के पानी की समस्या SDM को भी बताई है। क्षेत्रीय रहवासियों ने अंबर टाइम्स को बताया। मैं ओम कुमारी राठौर। आंटी, क्या समस्या, कहां पे आ रही है? बस ये समस्या, हमारे ये हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के पीछे जो कॉलोनी है ना, उससे सारा पानी ड्रेनेज होकर यहाँ आ रहा है। तो पहले तो ये प्लाट में जाता था, अब प्लाट वालों ने रास्ता खोल दिया, तो यहाँ से बह के ही आ रहा है। कौन सी कॉलोनी है? कौन सी ये कॉलोनी है? ये तो ये गायत्री हॉस्पिटल और प्लस ये इसके पीछे जो कॉलोनी है, शिवम परिसर। हमारी कॉलोनी तो शिवम परिसर है, लेकिन जो हॉस्पिटल के पीछे जो दो कॉलोनी बनी हुई है, सेंट्रल प्लाजा है, सेंट्रल प्लाजा नहीं, ये जो है ना हॉस्पिटल के पीछे वाली। हंसा शर्मा। किस तरह की समस्या है, कौन सी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है? ये यही मेन रोड पे, इधर अंदर कॉलोनी में जाते हैं सब, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बच्चे वगैरह खेल नहीं पाते हैं, उस चक्कर में फिर प्रॉब्लम तो आती है ना बच्चों को भी। मेरा अनीता भट्ट नाम है। आंटी, कौन सी कॉलोनी में? शुभम परिसर में। किस तरह की समस्या रही है? ये जो गंदा पानी जा रहा है कॉलोनी में, सब घुस रहा है और उसके से मतलब बीमारियां फैलेगी, इसलिए इसके लिए इकट्ठे हो गए हम लोग। मारू, किस तरह की समस्या? ये समस्या काफ़ी समय से है। ये कॉलोनी बिल्कुल वो है, परंतु इस गंदे पानी से कॉलोनी पूरी गंदी हो रही। कॉलोनी मेन गेट वगैरह बच्चे खेलते हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन सुबह घूमते हैं, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी बार उन्होंने हमने बताया उनको, परंतु बीच में कुछ बंद करते फिर चालू कर देते हैं वो। अभी SDM साहब आए थे आपने उनसे? हाँ, मैं हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल वाले से बात करेंगे, गीता देवी गायत्री देवी से, हॉस्पिटल वालों से समस्या दूर करेंगे। बताए SDM साहब, बस इतना बता के चले गए। यहाँ पर ये पानी का समस्या अधिक रोने से सब बच्चे वगैरह सब गिरते हैं, और रहा सवाल ये पूरा ड्रेनेज पानी दोनों तरफ दरवाजे हमारे कॉलोनी के, पर दोनों को चपेट में ले लिया इस गंदे पानी ने। और इसके पूर्व ये खाली प्लाट के पीछे दरवाजे ये दीवालों में घुस गया था पानी, इससे भी हमारा ट्यूबवेल गंदा पानी आ रहा था, इसलिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पीछे प्लॉट में भी पानी इकट्ठा हो रहा था, तो इसलिए दीवारें भी जर्जर होने जैसी स्थिति में आ रही थी, तो उधर से बंद किया और ये प्लाट वालों ने खोल के नहीं ये इधर चालू कर दिया। तो ये अब हमारी समस्या है सर, कि ये गड्ढे में पानी इधर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।